अक्सर होता था, खास करके संकट मोचन वगैरह के टाइम में और जब दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस जमाने में और उनके टाइम में ये होता था आखिरी तक 2008 तक कि पांचों दिन जो भी कलाकार एक दिन पहले संकट मोचन में बजाए हैं गाए हैं उनका नाश्ता हमारे यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट होता था। नाश्ता थोड़ा लेट से ही होता था क्योंकि कार्यक्रम लेट से खत्म होता था, तो वो एक तरह का ब्रंच समझ लीजिए, तो उसमें वो कचौड़ी जलेबी और दूध जलेबी ये सब तो महाराज जी का बड़ा मतलब ये स्पेशलिटी था सबको नाश्ता करवाना ये चीज का। तो वो हम लोग तो सारे शिष्य लोग और घर के लोग उसकी व्यवस्था करते थे, तो उसमें मुझे बहुत बार सौभाग्य मिला चाहे पंडित राजन साजन मिश्रा जी, बिरजू महाराज जी, शिव कुमार शर्मा जी जो अभी अमजद अली खान साहब, इन लोगों को अचानक से आवाज देते थे इधर आओ तबला लेके आ जाओ या ऐसे ही आ जाओ ये चीज सुनाओ, तो मैं सुनाता था तो कई बार इनाम भी मिल जाता था जेब खर्ची उस जमाने में तो ये बड़ा आनंद था। और ईश्वर की कृपा से पंडित जी के सामने एक बार हाजिरी लगाने का मौका मिला आखिरी में 2005 में, तो वो दिल्ली आए हुए थे और महाराज जी उनके यहाँ सोलो बजाने आए थे, तो उन्होंने सुबह के टाइम बोला कि सुना तुम्हारा नाती भी बहुत अच्छा बजा रहा है तो उसका भी थोड़ा सा सुनवाना मुझे, तो मतलब 4-6 घंटे पहले मुझे पता चला, 4-5 घंटे पहले की शाम, तो उसमें भी हाजिरी लगाया तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये सब तो एक पूंजी है कलाकार के जिंदगी। अवकारी लोग थे सच में। मैं ये आप जो बोले सवाल, ये मेरे मन का सवाल, मेरे मन में अक्सर होता है कि जैसे मैं अपने बच्चे को क्या कभी बता पाऊंगा कि मैं सितारा देवी जी को देखो कैसे खड़ी होती थी, कैसे उनका बात करने का टोन था, क्योंकि वो तो मेरे कान में, वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूँ कहीं, वो मैं कहीं पे आवाज करके नहीं बता सकता, और वो सामने से मुझे विजुअल क्योंकि देखा हुआ है, दर्शन किया है, इसीलिए देखिए जो भक्ति है वो दर्शन कहा जाता है, दर्शन जो है ज्ञान का दर्शन करना पड़ता है, तो आप कितने भी तरह बता लीजिए, तो ये चीज होती है। लेकिन हाँ फिर मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे गुरु ने एक इस हिसाब से हम लोगों को शिक्षा दी कि जिन लोगों को, जिन तबला वादकों को, जिन कलाकारों को हम लोगों ने सामने से नहीं देखा था उनका दर्शन करवा दी, तो ये एक सच्चे गुरु की बात है। अगर एक गुरु ऐसा हो तो वो आपको दर्शन करवा सकता है, तो कोशिश करते हैं हम लोग। लेकिन हाँ विलायत खान साहब को जब मैंने कुर्ता पहन के और चूड़ीदार पहन के आते हुए देखा है कलकत्ता में, कलकत्ता क्लब में उनका प्रेस इंटरव्यू था और उनको मैं देखा ऐसे आ रहे थे, तो उनको मैं पहली बार क्योंकि उससे पहले सिर्फ कैसेट और सीडीज पे देखा था, तो अब वो उसको मैं बयान कितना भी करूं वो बच्चों को आज के समय में बयान करना मुश्किल हो, लेकिन वाह क्या बात है। मैं फोटो का इसीलिए बहुत संग्रह रखता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं फोटोज का मुझे संग्रह करने का शौक है, महाराज जी का और ऐसे आर्टिस्टों का, कलाकारों का। वो इस बात को दूसरे वे में कहते थे, उनका कहना ये था कि सुनो सबको लेकिन अपना स्टाइल मत खो, अपनी जो पहचान है उसको मत खो। तो जो कहते हैं कि वो हंस की चाल हर चिड़िया नहीं चल सकती, हर की अपनी चाल होती है, लेकिन हाँ कुछ सीखने को हो सकता है। वो बकुला से ध्यान सीख लियो, काक चेष्टा कौए से चेष्टा सीख लो, हर चीज एक ही आदमी से नहीं सीखा जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो अच्छी बात लगी वो उठा लिया, उसकी खुशबू ले ली और उसको अपने हिसाब से, बनारस के हिसाब से उसको देखो। और वो उनका इस बात पे ज्यादा जोर होता था कि अपने अंदर खोजो। बड़े गहरे आदमी थे, आध्यात्मिक थे, स्कूल नहीं गए थे लेकिन अध्यात्म में बहुत थे वो, और मुझे उन्होंने जाते जाते मैं साल अपने जाने से 1-2 साल पहले कभी बात समझाने में, कुछ बातें कहने में, डांटने में, किसी चीज में एक बार उन्होंने मुझे भी कहा था कि जब तक आध्यात्मिक नहीं होगे तब तक संगीत में वो बात नहीं आएगी, कितना भी रियाज कर लो, क्योंकि उस समय हम लोग 6 घंटे 8 घंटे रोज रियाज करते थे,
लेकिन वो कहते थे बेटा असर तब तक नहीं आएगा जब तक स्पिरिचुअल नहीं होगी, आध्यात्मिक नहीं होगी। उस समय वो बात नहीं समझ में आई, आध्यात्मिक होने का मतलब समझ आता था कि सोमवार को महामृत्युंजय हो लिए, मंगल को संकट मोचन दर्शन कर लिए, वो भी कभी कभी, तो ये। लेकिन अध्यात्म क्या है, वो उम्र के साथ, रियाज के साथ, अनुभव के साथ, जिंदगी को देखते देखते तो समझ आता है। तो ये उनका ये कहना था कि अंदर ढूंढो, बाहर ढूंढने से ज्यादा और सब कुछ अंदर मिलेगा अगर आंख है। तो अफकोर्स कहते थे बाहर कुछ हमें अच्छा लगता था, वो भी किसी का सुन के आते थे तो बड़ा डांटते थे और बुरी तरह कहते थे कि रियाज करो, देखो कितने अच्छा अच्छा लोग बजा रहे हैं। और रियाज ने, मतलब हम लोग रियाज करते थे, बहुत करते थे, जितना हो सकता था, स्कूल की पढ़ाई भी होती थी और बड़ा दूसरा वक्त था, और 50-60 साल पहले पैदा होते तो शायद और ज्यादा रियाज कर पाते, वक्त दूसरा था। लेकिन इस जमाने में जितना करते थे तो वो समझाते थे इस बात को कि देखो वो और रियाज कर रहा है, उसकी तरह करो, उससे ये चीज लो, वो देखो वो चीज कितनी अच्छी बजाय है। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते थे कि उसको पूरा फॉलो करो, अपने हिसाब से उसको देखो, उसको शोधो, सोचो। ये हमेशा होता है। अच्छा, यही अभी 12 साल से वही हो रहा है। अभी क्या है, उनके जाने के बाद अब अपना जीवन की अपनी यात्रा भी है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अभी आजकल देहरादून में रह रहे हैं और कार्यक्रम भी हैं, सिखाना भी है, सबके बीच में जब भी अभ्यास करने बैठते हैं और एकाग्र चित्त होकर, ये नहीं कि दिमाग में दूसरी बातें चल रही हैं और रियाज हो रहा है, ऐसा नहीं, तब वो घटना नहीं घट सकती जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो घटना तब घटती है जब मैं, कभी ऐसा होता है कि सब घर में सो गया है और रात को 12-12:30 बजे मैं तबला लेके अपना एक कमरे में बंद करके कमरा धीरे धीरे अपना बजाने लगता हूँ और सोचता हूँ कि इसके आगे रास्ता क्या है। तो जब सोचता हूँ तो उनकी बात याद आती है कि अंदर ढूंढो। तो आंख बंद करते हैं तो अंदर वही दिखाते हैं रास्ता। और अब जाके इतना समझ में आ गया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंदर है, बस ढूंढते रहना है और आंखें वैसी रखनी। ये उनकी उनकी सिखाई हुई बात है। और इतने बड़े गुरु थे, मैं तो ऑनेस्टली हर रोज हर वक्त, छोटे भी भाई लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं अभी, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ये चीज का रियाज वो जिस तरह कर रहे हैं, हमारे बनारस में किस तरह हो सकता है, थोड़ा सा उसको सोच के कि बनारस, क्योंकि जिस तरह हमारे हाथ की चीज उनसे नहीं बजेगी एक बार में, बनारस की अलग स्टाइल होती है, हाथ का रख रखाव अलग होता है, वैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम ही अलग टेक्निक से है उनकी, वो बनारस के हाथ से निकलनी मुश्किल। तो मैं उसमें पीछे जाऊंगा तो वो ठीक नहीं है, वो तरीका भी नहीं है। संगीत का ये तरीका नहीं, संगीत में हर फूल की खुशबू अलग होने चाहिए और होती ही है, तो उसमें जबरदस्ती किसी की तरह होना नहीं चाहिए। नहीं, उनकी जो दी हुई चीजें हैं वो तो इतनी है कि मैं उसमें से अभी मैक्स टू मैक्स शायद 25-30% ही अभी रियाज ही किया, उसको छुआई हूँ, बाकी चीजें तो कॉपी में लिख के रखी हुई हैं, क्योंकि इन पे ही अभी काम ठीक से नहीं हुआ तो और निकालने की आवश्यकता नहीं, वो सब अभी पेंडिंग वर्क है, इतना बहुत करना है। लेकिन क्या है ना, ये जो आध्यात्म वाली बात कही मैंने आपको कि वो एक उम्र के साथ, एक अनुभव के साथ एक आध्यात्म की बात आती है, अब उसमें ये आ गया है कि मुझे अंदर खास करके, मैं अपनी बात बताऊं, वो नेगेटिव नहीं लेनी चाहिए बात, लेकिन मैं तबले से जीतने का मेरा कोई ऐसा मन नहीं रहता कि तबले को हराना है और मुझे जीतना है, मैं तबले से हार के बड़ा खुश होता हूँ। बहुत बड़ी बात तो कह रहे हैं, ये मेरा विचारधारा है। तो मैं जब तबले पे बैठता हूँ तो मुझे कोई डेडलाइन नहीं करना होता कि मुझे आज ये हासिल करना है और इसके आगे जाना है और इससे ये देखना है, वो करना है, या ये जमीन बजाना है। जैसे शाम को मैं नहा धो के भूख करता हूँ, जैसे पूजा करता हूँ, वैसे तबले के साथ भी एक अनुष्ठान कर लेता हूँ। वो अनुष्ठान 15 मिनट का हो सकता है, वो बातचीत 1 घंटे की हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, वो 3 घंटे की भी हो सकती है। तो अब उस विचार से जब हम लोग तबला करते हैं ना, तो ये समझ में आता है कि जितना कम जानो उतना ज्यादा है।
पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी बनारस के, उनके बात निकली है तो उनकी बात कर रहा हूँ। पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी बनारस के, पंडित श्यामता प्रसाद जी बनारस के, और हमारे गुरु जी भी पंडित किशन महाराज जी, ये लोग विद्या के खान थे। ऐसा नहीं है कि इन लोग के पास विद्या कम थी, लेकिन जब इनका कार्यक्रम सुनेंगे आप तो ये लोग गिन चुन के वही 3-4-5 चीजें ही बजाते, पूरी जिंदगी सिर्फ उस पे धार दिया है, उस पे खाली शोध किया है। ये ऐसी चीज है। तो हम लोग अब जितना कम जानते हैं उतने में अच्छा लगता है कि भाई जितना कम जाने उसी को खोज लें, वही बहुत। जो गलती ढूंढने आए वो गलती खोज ही लेंगे। सही बात। तो आपके गुरु जी भी गलती ढूंढ लेंगे, वो सब में गलती ढूंढ लेंगे, इसमें ये नहीं ठीक है, उसमें ये। जो आनंद लेने आए हैं वो मेरे आनंद में मेरा साथ देंगे, मैं उन्हें आनंद दे नहीं रहा। मैं तबला लेके बैठता हूँ अपना, पूजा करके, गुरु का ध्यान करके, टीका लगा के, तो मैं आनंद लेता हूँ, उतना ही आनंद जितना मैं अकेले कमरे में लेता हूँ तबले के साथ, और उतनी उसी तरह प्रार्थना करता हूँ प्रभु की, अपने गुरु की। जो आनंदित होने आए हैं वो मुझे नाचता देखते हैं, मुझे मगन देखते हैं, मुझे खुश देखते हैं, आनंदित देखते हैं, तो वो आनंद में सम्मिलित हो जाते हैं। और जो कुछ लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं, खाली वो उसमें बुराई ढूंढने आए हैं, तो वो तो हर चीज में बुराई। हम देखिए बनारस के लोग, पंडित राजन मिश्रा जी को मैं इतना याद करता हूँ, महाराज जी के बाद, मेरे गुरु जी के बाद, मैं जिंदगी में अगर किसी आर्टिस्ट से सबसे ज्यादा मुतासिर कहूंगा कि उनसे मैं इतना ज्यादा प्रभावित था, और उनको ही देखा, बहुत ज्यादा देखा, बचपन से इतना देखा। वो कहते थे जब किसी को सुनने जाओ तो ऐसे सुनो जैसे शिष्य सुन रहा हो, और जब किसी को सुनाने जाओ तो ऐसे सुनाओ जैसे शिष्य सुन रहा हो और तुम गुरु हो। स्टेज पे रहो तो गुरु बन जाओ, और सामने जब दर्शक में बैठे हो तो शिष्य बन जाओ, कोई भी छोटा बड़ा जो भी बैठ के बजा रहा है उसके शिष्य बन। तो हम उम्मीद भी यही करते हैं कि कोई सामने आया है सुनने, हम आनंद ले रहे हैं तो आप उसका आनंद लीजिए, और कृपा उन्हीं की है। आपने जो कहा कि डर, मुझे डर से ज्यादा जिम्मेदारी लगती है जब स्टेज पे नाम अनाउंस हो जाता है कि महाराज जी के नवासे हैं और उनके शिष्य हैं शुभ महाराज। तो आज की डेट में मुझे ये लगता है कि ये इतना बड़ा अपने आप में अवार्ड है मेरे लिए, तो फिर उस अवार्ड के खातिर जीना मरना अभी पड़ जाए तो कम है। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, अपनी सेवा देता हूँ। सही बात कह रहे हैं आप। और राजन जी ने तो ये बात मेरे साथ इंटरव्यू में भी कही थी, और वो तो जो आप अभी कह रहे हैं वो ये भी कहते थे कि हम जब स्टेज पे बैठते हैं तो पहले ये इंश्योर करते हैं कि हमको आनंद आए, अगर हमको आनंद आएगा तो आपको फिर आनंद आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल शुभ भाई, इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले आखिरी सवाल मेरा यही होगा आपसे कि अभी जो आप मतलब सिखा रहे हैं आप, और आगे जो इनकलकेट कर रहे हैं तबले के जो नए कलाकार हैं, जो सीख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो शिष्य हैं आपको, आपके गुरु जी की कही कौन सी बातें आप उन तक पहुंचाते हैं कि भाई देखो मैं सिखा तो रहा हूं तुम्हारे गुरु के तौर पर, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ये कहा था, इस बात का ध्यान रखना। बस इसका जवाब मैंने आपको दिया इससे पहले ही दे चुका हूं। मैं यही बताता हूँ कि सुनो सबका लेकिन अपने अंदर, और वही ढूंढना पड़ेगा। कोई भी अच्छा कलाकार आज तक हिस्ट्री में इंडियन म्यूजिक कहीं पे भी वो नहीं है जो अपने गुरु की कॉपी बनाए, देख ले नजर घुमा, जो गुरु से अलग बन के कुछ काम किया है उसे लोग पसंद भी करते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु को कॉपी पेस्ट करेगा, कितना भी अच्छा नकल कर ले, नकली तो नकली ही रहे, जिरॉक्स तो जिरॉक्स ही रहेगा ना, ओरिजिनल नहीं हो सकता। तो वो ओरिजिनल बनने की मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें रास्ता दिखाऊं, इशारा कर दूं, बाकी वो खुद से पहुंचे उधर। तो जो वैसे बच्चे हैं वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, जीवन भर की यात्रा है, हम खुद ही यात्रा में ढूंढ रहे हैं कि कहीं ऐसा ऐसी जगह मिल जाए जहां लगे कि ये मेरा स्थान है, ऐसा संगीत करने के लिए मैं बना हूं। तो वो अभी जगह अभी खोजबीन जारी है, वो उम्र लग जाती है उसमें जगह को पहुंचने की।
नहीं नहीं हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी वो जो जगह है वो आपको बिल्कुल जल्दी मिल जाए, और अरे बहुत सारा आप ऐसा नया काम करें जो वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कट कॉपी पेस्ट से अलग हो, हम सब तक पहुंचे, हम सबको वो जो जो पंडित जी की परंपरा है, जो संस्कार है, वो आपके अंदर है, और उसके लिए कुछ ज्यादा कहने की मुझे जरूरत नहीं है। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी अरे धन्यवाद शुभकामनाएं। भैया, याद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका, राजगिरी टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मुलाकात हो। मुलाकात होती है, बिल्कुल।